नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2023 में आप सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसके बाद के सवाल है कि सर हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, अब हमें आगे क्या करना होगा, यानी आगे हम वेट करें कि हमें कुछ और प्रोसेस करना होगा और साथ ही साथ रिजल्ट कब तक आएगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी पर डिस्कस करके कंप्लीट बात बताने वाला हूं, जो आपको गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस देने वाला हूं। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और जितने भी CUET PG के एस्पिरेंट्स हैं, यानी आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चाहे वो 2023 की सारी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो 2024 की तैयारी हो, स्टडी कैपिटल आपको दोनों में पूरा प्रॉपर गाइडेंस देने वाला है। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बात करते हैं एक एक स्टेप पर, आपको सारी चीजें अच्छे से समझाते हैं। एक लंबी यात्रा रही है आप सभी की और थोड़ी सी मैं आपकी उस यात्रा पर बातचीत करना चाहता हूं। अगर आपको सुनना अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी शुरुआत में एकदम एंट्रेंस एग्जाम के पहले एप्लीकेशन फॉर्म का वेट किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एंट्रेंस एग्जाम के डेट का वेट किया, एंट्रेंस एग्जाम की डेट आई, एडमिट कार्ड्स आए, एंट्रेंस एग्जाम दिया, आंसर की आई, आंसर की को चैलेंज किया, देन आपका रिजल्ट आया। और अब रिजल्ट आने के बाद जो अगली प्रक्रिया आपकी चल रही है वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हर एक यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट अलग अलग है, यानी अपनी अपनी वेबसाइट है उनकी। तो वेबसाइट अगर अलग अलग है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अगर अलग अलग है, तो डेट भी अलग अलग है। यानी जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि सर इसके बाद रिजल्ट कब तक आएगा, यानी रिजल्ट भी अलग अलग डेट पर आएगा, कोई एक डेट पर नहीं आएगा। जैसे CUET का रिजल्ट जो है PG का वो एक साथ आया, लेकिन काउंसलिंग का रिजल्ट तो भाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग जारी करेंगी। तो अभी सबसे पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसके अतिरिक्त जहां और करना है और अगर उसकी डेट चल रही है तो जरूर उसकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करिए। हर एक यूनिवर्सिटी आपको करेक्शन का मौका देती है, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज। जैसे BHU का अभी चल रहा है तो आपको करेक्शन का मौका मिला हुआ है, जिस जिस यूनिवर्सिटी में उसमें करेक्शन कर लीजिए अगर कोई गलती की है तो। ये सब करने के बाद आपको इंतजार करना होगा कट ऑफ के लिस्ट का, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिजल्ट का। और ये कट ऑफ की लिस्ट और रिजल्ट जो है सारी यूनिवर्सिटीज लगभग ये मान के चलिए कि उनके जिस दिन उनका विंडो बंद होगा, यानी रजिस्ट्रेशन जिस दिन बंद होगा उसके एक हफ्ते बाद ही वो जारी करेंगी, उससे पहले नहीं जारी करेंगी। जैसे चाहे आप BHU का एग्जाम्पल ले लीजिए, GNU का एग्जाम्पल ले लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसका भी आप टॉप यूनिवर्सिटीज का इंतजार कर रहे हैं, तो समझिए कि उनकी रजिस्ट्रेशन डेट खत्म होने के एक हफ्ते बाद की ही आपके लिए अपडेट रहेगी, उससे पहले की अपडेट नहीं रहेगी। और इस बीच तमाम अपडेट्स आएंगे उन यूनिवर्सिटीज से, तो वो सारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, हम अपने रिसर्च पर आपको सब कुछ अपडेट करते रहेंगे, कुछ छूटेगा नहीं। कट ऑफ की लिस्ट आएगी, जो कट ऑफ की लिस्ट, जैसे पहले कट ऑफ की लिस्ट आई तो आप पहले कट ऑफ की लिस्ट में आएंगे, देन आप फीस पेमेंट करिएगा। फर्स्ट कट ऑफ की लिस्ट में मान लीजिए आपका नाम नहीं आया, थोड़ा सा मार्क्स आपका कम है, तो घबरा नहीं जाएगा कि पहले कट ऑफ में ही सारी सीटें भर गई, फिर आप सेकंड कट ऑफ की वेट करिएगा। और ये जो कट ऑफ की लिस्ट और फीस पेमेंट होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज का होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होगा। तो मान लीजिए आपका इनकेस, अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से वैसे किसी के साथ ना हो, अगर आपके मार्क्स अच्छे रहे, मैं उम्मीद करता हूँ सबके मार्क्स अच्छे होंगे, लेकिन सभी का एडमिशन तो हो नहीं सकता ना, ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सब BHU में सीट तो पा नहीं जाएंगे, सब DU में सीट पा नहीं जाएंगे, सब GNU में सीट पा नहीं जाएंगे। तो मान लीजिए अगर आपका BHU में एडमिशन नहीं हो पाता है तो फिर आप जो है BBAU के काउंसलिंग भी कराए होंगे तो वहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। फिर आपने मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप गुजरात की काउंसलिंग आपने कराई होगी, वहां हो सकता है आपका। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप राजस्थान की कराई होगी तो वहां पर हो सकता है आपका। इस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप हरियाणा की काउंसलिंग आपने कराई होगी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप हरियाणा में आपका हो सकता है। तो इस तरीके से फीस पेमेंट जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का आपको मिलेगा और अलग अलग जब भी कट ऑफ आएगा उसमें आप फीस पेमेंट करिएगा। और पहले ही कट ऑफ में आप हार नहीं मान जाएंगे, कई कट ऑफ की लिस्ट आएगी, जब तक उस यूनिवर्सिटी की सीट फुल ना हो जाए तब तक आप उसकी अपडेट लेते रहें। और जहां आपने फीस पेमेंट एक बार किया आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में लगभग मान के चलिए कि पक्का हो गया। यानी जो काउंसलिंग का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके बाद आपको सिर्फ कट ऑफ की लिस्ट का वेट करना है, उसकी अपडेट का वेट करना है। जब अगर आप कट ऑफ की लिस्ट के अंदर आ गए फीस पेमेंट करिएगा, आप एडमिशन को लेकर के एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। ये स्टेप रहा जो आप सभी का लगातार सवाल था कि सर काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया, इसके बाद हम क्या करें, आगे क्या करें। तब तक अभी जब फ्री है तो कुछ पढ़ते लिखते रहिए, नॉवेल वगैरह, कोई मूवी वगैरह है तो मन है देखिए, मतलब जो आपकी हॉबी हो, जिस पर आपको काम करना हो करिए, बाकी अपडेट वगैरह हम चैनल पर आपको देते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन सारी यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ की अपडेट के लिए हमारे इस स्टडी कैपिटल के चैनल के साथ साथ CUET PG स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम आपको सारी यूनिवर्सिटीज की इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ वगैरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और आगे पहुंचाते रहेंगे।
और ये चैनल जो है बेसिक चैनल है सीयूईटी पीजी का, कहीं से इंपोर्ट किया हुआ चैनल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेहनत के दम पर स्टडी कैपिटल भी बना है, मेहनत के दम पर सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल भी बना है, तो इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345, अगर आपको सीयूईटी पीजी 2024 की बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, बेस्ट तैयारी करनी है, तो डेफिनेटली आप स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर अपने फ्यूचर को बढ़िया बनाना है बीएचयू डीयू जेएनयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो। फिलहाल इस वीडियो को इसी अपडेट के साथ मैं यहीं पर एंड करता हूं और वादा करता हूं कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज से लेकर के अदर यूनिवर्सिटीज की सारी इन्फॉर्मेशन पूरे काउंसलिंग तक उनके एडमिशन के आखिरी दिन तक मैं पहुंचाता रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को रिपेंड करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।